गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे डिस्कस क्लास वन ईवीस चैप्टर 19 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दुनिया क्या होती है, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, जो जानवर्स होते हैं, उनकी कुछ अलग दुनियाएं रहती हैं। कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, एंड कुछ ऐसे जो वाटर्स एनिमल्स होते हैं, एंड कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की कि चैप्टर 18 में बात किए टाइप ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़े थे कि पौधों की दुनिया क्या होती हैं, उनमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताए, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम के बारे में हमने बात किया, एंड टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया कि मैंगोज क्या होती हैं, नीम क्या होती हैं, बनानास क्या होती हैं, एंड फूड फॉर प्लांट्स के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि जानवरों की जो दुनिया होती है, उनकी दुनिया कैसे होती है। नाउ स्टार्ट, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो उसको ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होगी मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को बताने की कोशिश करूँगा। साइनाइस ट्राइंग्स टू सॉल्व द एनिमल्स वर्ड सर्च हेल्प हर टू फाइंड ईट मोर नेम ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर बात की गई कि साइना है कि ट्राइंग टू सॉल्व, पशु जो शब्द है साइना को बोला जा रहा है कि पशु शब्दों को हल करने की कोशिश कर रही है, जो पशु शब्द है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है शब्दकोशों को, उससे जानवरों के जो शब्द हैं, जानवरों के आठ नाम खोजने को कहा गया है। अभी जानवरों के नाम, आठ नाम क्या करें आप खोजें, यहाँ पर बताया गया है, सॉल्व कीजिए, वर्ड सर्च कीजिए और आठ नाम खोजें। यहाँ पर एनिमल्स के बताया गया है, जैसे एग्जांपल्स के रूप में आंट्स के बारे में बताया गया है, बीप्स के बारे में बताया गया है, बीप्स हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा और कुछ नाम्स हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर लायंस, LOION लायंस हो गए, है ना, कैट हो गए, ठीक है, हॉर्सेस हो जाएंगी, हॉर्सेस, एलिफेंट्स की बात आ रही है, एलिफेंट्स हो जाएंगी, गॉट बकरी हो जाएंगी। इस प्रकार आठ जो नाम्स हैं आप उसमें खोजेंगे। लायंस के बारे में बताया, ऑल्स के बारे में देखिएगा, यहाँ पर WOL ऑल के बारे में भी मैंने बताया, बी यहाँ पर बी के बारे में भी देख सकते हैं, BEE ऊपर में दिए हुए हैं, BEE के बारे में भी बताया गया है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे जानवर के नाम आपको क्या करना है, इसमें खोजने हैं। नीचे देखिएगा, वी सी एनिमल्स ऑल अराउंड अस, लेट्स नाउ मोर अबाउट देम। हम अपने चारों ओर जानवरों को देखते हैं या फिर जानवर से देखते हैं, आप भी देखेंगे कुछ जानवर से ऐसे देखते हैं कि चारों ओर हमारे जानवर देखते हैं। लेट्स नाउ मोर अबाउट देम, आइए ऐसे कुछ जानवरों के बारे में हम देखते हैं या फिर बात करते हैं। जैसे बात की गई है, सम एनिमल्स आर बिग, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि बड़े होते हैं। जैसे आप एलिफेंट्स के बारे में बात करते हैं, एलिफेंट्स जो होती हैं, हाथी जो होती है, वो बहुत ही बड़े होते हैं। वेल्स जो मछली होते हैं, बड़े वेल्स होते हैं, है ना, ये भी एक बहुत ही बड़े जानवर होते हैं। उसी प्रकार जिराफ्स देखेंगे, ये भी बहुत ही बड़ा जानवर होता है, ठीक है। सम एनिमल्स और बिग, बिग मतलब होता है बड़ा जानवर, इसके बारे में हमने बात की। फैक्ट ऑन सम दी हैं, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस है मॉडर्न क्लासेस, यानी फास्ट थोड़ी चल रही है। फैक्ट ऑन्स में बताया गया है कि ब्लू वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ, जो ब्लू वेल्स होते हैं, नीले वेल्स के बारे में बताया गया है, जो कि लार्जेस्ट एनिमल ऑफ अर्थ, पृथ्वी में रहने वाले सबसे बड़े जानवर से बताया गया है। ब्लू वेल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। एलिफेंट्स बड़े जानवर से हैं, वेल्स बड़े जानवर से हैं, जिराफ्स जो होते हैं बहुत ही बड़े जानवर होते हैं। एंड पेज नंबर देखिएगा 85 के बारे में बात की गई है,
सम एनिमल्स और स्मॉल, जो सम एनिमल्स होते हैं, कुछ छोटे जानवर्स होते हैं जिसके बारे में बताया गया है, रैबिट्स एंड माउस एंड अ कैट, ये क्या होती हैं, छोटे जानवर्स होते हैं। सम एनिमल्स के बारे में बात की गई है, छोटे जानवर्स की बात की गई है, ठीक है। एनिमल्स आर फाउंड इन द डिफरेंट प्लेसेस, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि विभिन्न स्थानों पर रहते हैं या फिर पाए जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं कुछ ऐसे जानवर। एनिमल्स आर फाउंड ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस, सम एनिमल्स लाइव इन द लैंड, कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो कि भूमि पर पाए जाते हैं, जमीनों पर पाए जाते हैं, जैसे लैंड्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसी प्रकार बियर्स के बारे में बात करते हैं, बियर्स जो होती हैं, डॉग्स जो होती हैं, कैमल्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, लैंड्स, जमीन पर पाए जाते हैं, भूमि में पाए जाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड पर रहते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लाइव इन वाटर, कुछ जानवर्स ऐसे होते हैं, जानवर्स के बारे में बात की गई है, जैसे सम एनिमल्स के बारे में बात की गई है, सम एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि वाटर्स में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, जैसे बात की गई है फिशेस के बारे में बात की गई है, ऑक्टोपस के बारे में बात की गई है, एंड व्हेल्स के बारे में बात की गई, जो कि जलीय प्राणी होते हैं, जलीय प्राणी यानी जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे स्टार फिश के बारे में बात करती हैं, फिशेस के बारे में बात करते हैं, एंड व्हेल्स के बारे में बात करती है, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि छोटे क्लासेस की जो क्लासेस रहती हैं वो ध्यान से सुनने लायक ऐसे अध्ययन किया जाता है, आप ध्यान सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सम एनिमल्स लाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यहाँ पर बात की जाती है कि सम एनिमल्स लाइव इन ऑन लैंड, लैंड के बारे में बात की गई है, एंड वाटर्स के बारे में बात की गई है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि लैंड पर रहते हैं जमीन पर, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि वाटर्स में भी रहते हैं, मतलब यहाँ पर बात की गई है वह लैंड पर भी रहने के साथ साथ में पानी में भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे जानवर कौन कौन से हैं, क्रोकोडाइल्स, जो मगरमच्छ होते हैं वह पानी पर भी पाया जाता है और लैंड्स पर भी पाए जाते हैं, भूमि पर भी पाए जाते हैं, एंड टर्टल्स के बारे में बात की गई है, कछुआ, जो टर्टल्स होते हैं, टर्टल होते हैं वह पानी में भी पाए जाते हैं और भूमि में भी पाए जाते हैं, लैंड में पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग जो होते हैं, मेंढक जो होती है वह पानी में भी पाए जाते हैं और लैंड में भी पाए जाते हैं, जिसे हम उभयचर एनिमल्स कहते हैं, उभयचर जानवर, सॉरी हाँ उभयचर बोला जाता है, जो कि पानी के साथ साथ में वाटर्स और लैंड दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, टर्टल्स होते हैं और फ्रॉग होते हैं, दैट इज क्लियर। अब देखिएगा पेज नंबर, बात करते हैं 86 के बारे में, देखिएगा 86 में दिए हैं सम एनिमल्स लाइव ऑन ट्री, ट्री के बारे में बात की गई है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पेड़ पर पाए जाते हैं, पेड़ों में पाए जाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि कुछ चिड़ियाएँ ऐसे होती हैं जो कि पेड़ में रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पेड़ में पाए जाते हैं। तो सम एनिमल्स ऑफ ट्री, ऑन ट्री की बात करी है, ट्री में पाए जाने वाले जानवर, जैसे मंकी की बात करते हैं, मंकी जो होते हैं वह ट्रीज में पाए जाते हैं, ट्रीज में इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं, एंड ऑल्स जो होते हैं वह भी ट्रीज में पाए जाते हैं, एंड वुड पिकर्स जिसको बोलते हैं, जो कि वुड्स लकड़ी को अपने चोंच की सहायता से क्या करते हैं, वह खोखले करने के बाद वह अपना बसेरा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार मंकी, ओल्स एंड वुड कीपर्स के बारे में बात की गई है। ग्रैंडमा आज डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पहले देख लेते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, घरेलू जानवर क्या होती हैं। सम एनिमल्स जो ट्रीज में रहते हैं, मैंने आपको बताया कि ट्रीज में रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं, उभयचर लैंड जानवर कौन कौन से हैं, लैंड में रहने वाले और पानी में रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं, वाटर्स एंड बिग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, स्मॉल एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी मैंने अध्ययन करवाया। तो अब डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होती हैं, घरेलू जानवर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए डोमेस्टिक एनिमल्स जो घरेलू जानवर्स के रूप में होते हैं,
यहाँ पर क्या बात की गई है, सम एनिमल्स हेल्प अस इन मनी वे, वी कीप देम ऑन ए फार्म और इन अवर होम्स, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात की गई है। मतलब कुछ जानवर हमारी कई तरह से क्या करते हैं, मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, जिसे हम खेतों में और अपने घरों में भी रखते हैं, खेत में भी रखा जाता है, घरों में भी रखा जाता है, जिसे हम घरेलू जानवर्स कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं देखिएगा, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स घरों में रखने वाले जानवर्स के, काउस, डॉग्स, डक एंड गॉट्स, ये क्या हैं, बकरी, बदक, कुत्ता और गाय, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, घरेलू जानवर्स जिसको बोला जाता है। एंड नीचे दिए गए हैं कुछ बफेलो को भी घर में रखे जाते हैं, घर के बाहर में भी रखा जाता है, जिसे पाल कर रखा जाता है, हीन हो गए, सीप्स हो गए और गुज हो गए, ये क्या होती हैं, सब के सब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, घर में रखने वाले जानवर, पालने वाले जानवर से, जिसे पालतू जानवर से भी कहा जाता है। ओके बच्चों, नीचे देखिएगा कुछ पेज नंबर पे देखिए, 87 पेज नंबर पे बात की गई है, 87 पेज नंबर पे में बताया गया है कि वी कीप सब सम एनिमल्स एज पेट इन आवर होम्स, वी कीप सम एनिमल्स एज पेट इन आवर होम्स, जैसे फीस एंड पैरोट एंड कैट्स। फीस क्या होती हैं, पैरोट्स क्या होती हैं, कैट्स क्या होती हैं, आप लोग को भी अच्छे से पता होगा कि जो मछलियाँ होती हैं, तोते होते हैं, बिल्ली होते हैं, वी कीप सम एनिमल्स इन पेट्स इन आवर होम्स, जैसे बात की गई है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसे हम अपने घरों पर पालते हैं, पेट्स पालतू जानवर पालते हैं बताया गया है, जैसे फिशेस को भी रखा जाता है, पैरोट्स को भी रखा जाते हैं, कैट्स को भी रखते हैं, रैबिट्स को भी, डॉग को भी, ये सब जो होते हैं एनिमल्स, जो पालतू जानवर कहा जाता है। ठीक है, कुछ विथ सम योर टीचर्स, आप अपने शिक्षक के साथ इसको गाइएगा, है ना। वाइल्ड एनिमल्स क्या होती हैं, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पर बात की गई है, वाइल्ड एनिमल्स किसे कहते हैं, जंगली जो जानवर होते हैं, सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, वनों में पाए जाते हैं, जिसे हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं, जंगल में रहने वाले जानवर कहा जाता है। जैसे जंगल्स में रहने वाले जानवर कुछ ऐसे हैं देखिएगा, जैसे एलिफेंट्स के बारे में बात की गई है, एलिफेंट्स जो होते हैं जंगल्स में पाए जाते हैं, लायंस जो होते हैं वो भी जंगल्स में पाए जाते हैं, टाइगर्स होते हैं, डियर होती है और जेब्रा होते हैं, सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, जिसे हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। याद रखिएगा वाइल्ड एनिमल्स क्या होती हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होती हैं, पेड एनिमल्स क्या होती हैं, सबको याद रखिएगा, डोमेस्टिक एनिमल्स घरेलू जानवर, पेड एनिमल्स पालतू जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, ये होती हैं। कुछ फन टाइम्स दिए हुए हैं देखिएगा, मैच द फ्लॉइंग्स, मैच द एनिमल्स टू द थिंग्स वी गेट फ्रॉम देम, वी गेट फ्रॉम देम, जैसे बात की गई है कि आपको क्या करना है, इसमें मैच करना है। जैसे हमें दूध कहाँ से मिलता है, काऊ से मिलता है, ऊन कहाँ से मिलता है, भेड़ ऊन से मिलता है, एंड हेन कहाँ से मिलता है, इज अंडे से मिलते हैं, मुर्गी से अंडे मिलते हैं, तो इस प्रकार आप फन टाइम्स को मिलाइएगा। ठीक, अब देखिएगा पेजेस पलटिए, क्योंकि छोटे टॉपिक है, धीरे से हम बात करेंगे इसकी। कुछ फन टाइम्स दिए हुए हैं, सम एनिमल्स डू नॉट हैव होम्स, दे आर द स्ट्रे एनिमल्स, दे नॉट द स्ट्रे एनिमल्स, मैच द एनिमल्स विद द फूड दे ईट्स, आपको क्या करना है कि जो एनिमल्स दी है उनके भोजन के बारे में आपको मैचिंग करना है, भोजन के बारे में आप मैचिंग करेंगे, यहाँ पर बात की गई है। जैसे
गॉड्स और जिराफ जो होते हैं वो क्या खाते हैं, गॉड्स और जिराफ जो होते हैं वह पत्ते खाते हैं, ठीक है। हैंस और कबूतर क्या खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, अनाज में देखिए। जो काउस होते हैं और जो रैबिट्स होते हैं वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। एंड जो लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, इसलिए डियर्स खाएंगे। तो इस प्रकार आप मैच द फ्लॉइंग्स कीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बर्ड्स के बारे में, बात करते हैं कि बर्ड्स होती क्या हैं, चिड़ियाएँ जो होती हैं वो क्या होती हैं। बर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगी। बर्ड्स एनिमल्स दैट हैव द विंग्स एंड अ फेदर और कॉल्ड बर्ड्स। जो एनिमल्स चिड़ियाएँ को बताया गया है, कुछ चिड़ियाएँ ऐसी होती हैं जो विंग्स ऑफ फेदर ऑफ कॉल्ड बर्ड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, चिड़ियाएँ कहते हैं, जो हवा के माध्यम से, पंखों के माध्यम से क्या करते हैं, अपने उड़ते हैं। मोस्ट बर्ड्स ऑफ कनिफ्लाइट्स, मतलब महत्वपूर्ण होता है जो कि उनका जो उड़ना होता है, चिड़ियाओं का उड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। बर्ड्स ईट विद द ब्रिक्स, जो चिड़ियाएँ होती हैं वह अपने चोंच के सहायता से क्या करती हैं, भोजन करती हैं, क्योंकि उनके दे डू नॉट हैव द टीथ, मतलब उनके दांत नहीं होते हैं। दे हैव टू लेग्स, उनके टू लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, जैसे क्राउज की बात बात की गई है, पैरट्स के बारे में, स्पैरो के बारे में, एंड पिजन्स के बारे में बात की गई है। तो ये जो होते हैं, इनके चोंच होते हैं, इनके दांत नहीं होते हैं, चोंचों की सहायता से, चोंच की सहायता से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। बर्ड्स क्या होते हैं मैंने बताया, जानवर्स के बारे में बताया, चिड़िया के बारे में बताया, एंड इंसेक्ट्स क्या होती हैं। इंसेक्ट जो होती हैं, इंसेक्ट देखिएगा, इंसेक्ट आर द वेरी स्मॉल एनिमल्स विद सिक्स लेग्स एंड इंसेक्ट विद द विंग्स ऑफ कैन फ्लाई। कैन फ्लाईज के बारे में बात की गई है, जैसे मॉस्किटो के बारे में बात की गई है, हाउस फ्लाई के बारे में, बटर्स फ्लाई के बारे में, एंड आंट्स के बारे में, और क्रोकोच कॉकरोच के बारे में बात की गई है। जो इंसेक्ट होते हैं वह वेरी स्मॉल एनिमल्स होते हैं, छोटे जानवर्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, विथ सिक्स लेग्स, उनके सिक्स लेग होते हैं, है ना। इंसेक्ट विद द विंग्स कैन फ्लाई, वह हवा के माध्यम से क्या करते हैं, वह उड़ते हैं, अपने पंखों से हवा के माध्यम से उड़ते हैं। तो जैसे मॉस्किटो की बात की गई है, मॉस्किटो भी अपने पंख की सहायता से उड़ते हैं, हाउस फ्लाई भी उड़ती हैं, बटरफ्लाई भी उड़ती हैं, और आंट्स जो होते हैं, छोटे चींटी जो होते हैं वह भी उड़ते हैं, और कॉकरोच जो होते हैं वह भी क्या करते हैं, उड़ते हैं। एक्सरसाइज टाइम के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज जो टाइम्स होती हैं, देखिएगा एक्सरसाइज टाइम्स, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्या होती हैं, एक्सरसाइज जो होती हैं, गिव टू एग्जांपल्स के बारे में बात की गई है। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द फ्लॉइंग, आपको बिग एनिमल्स के दो नाम लिखना है। बिग एनिमल्स में आप एलिफेंट लिख सकते हैं, जिराफ लिख सकते हैं, है ना। स्मॉल एनिमल्स, छोटे एनिमल्स के बारे में लिख सकते हैं, छोटे एनिमल्स कौन कौन से हो जाएंगी, छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनके भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कौन कौन से होंगे छोटे एनिमल्स, छोटे एनिमल्स में आएंगे आपके फिश, क्रॉकोच, बिग एनिमल्स हो गए। अब बात करते हैं छोटे एनिमल्स में आएंगे, जैसे रैबिट, माउस, रैबिट लिख सकते हैं, माउस लिख सकते हैं, यहाँ पर छोटे एनिमल्स हो गए। कुछ बर्ड्स के नाम लिखने के लिए बोला गया है, चिड़ियाओं के नाम, चिड़ियाओं में क्या आएंगे, जैसे पिजन्स लिख सकते, कबूतर, एंड स्पैरो लिख सकते हैं, क्राउ लिख सकते हैं, पैरोट लिख सकते हैं, यहाँ पर पैरोट लिखेंगे, यहाँ पर पिजन लिखेंगे। और इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े कौन कौन से होते हैं, जैसे मॉस्किटो कीड़े होते हैं, हाउस फ्लाई एक कीड़ा होता है, या फिर बटरफ्लाई, आंट्स, कॉकरोच एक कीड़ा होते हैं, कोई भी दो नाम लिखेंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होती हैं, जैसे काउ, डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं, काउ लिख सकते हैं, गॉड लिख सकते हैं, बकरी। इस प्रकार आप एक्सरसाइज टाइम को कम्प्लीट कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अब देखिएगा पेज नंबर 90 के बारे में बात करते हैं। 90 में दिया हुआ है कि सर्कल द करेक्ट आंसर, आपको क्या करना है, सर्कल द करेक्ट आंसर, आपको आंसर को करेक्ट आंसर देना है, सर्कल लगा के आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ए फिश या फिर रैट लिव इन वाटर, जो फिश होते हैं कहाँ रहते हैं, रेड फिश में, जो वाटर्स में, पानी में कौन रहता है, फिश रहता है या फिर रेड रहता है,
तो फिशेज को आप करेक्ट आंसर के रूप में फिशेज को लिखेंगे, क्या हो जाएगा फिशेज। ए क्राउ कॉकरोच हैज सिक्स लेग, कॉकरोच के होते हैं उसके सिक्स लेग्स होते हैं। फ्रॉग हॉर्स इन द लैंड व्हील्स इन द वाटर, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं कौन से फ्रॉग्स। रैबिट स्पोर कैन फ्लाई, रैबिट और स्पैरो की बात की गई है, रैबिट तो उड़ता नहीं है लेकिन स्पैरो उड़ता है, तो स्पोर को आप टिक लगाइएगा। जेब्रा या हाउस फ्लाई लिव्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर कौन कौन हैं, जेब्रा होते हैं, हाउस फ्लाई तो होगा नहीं है ना। तो इस प्रकार क्या करेंगे आप चिन्ह लगाएंगे, राइट लगाएंगे, करेक्ट करेंगे। दैट इज क्लियर। सी नंबर की बात की गई है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो होती हैं, जैसे जेब्रा इज एनिमल्स एज ऑक्टस ऑक्टोपस लाइफ इन, जेब्रा इज एनिमल ब्लैंक्स एनिमल्स, जेब्रा जो होते हैं वह क्या होती है, वाइल्ड एनिमल्स होता है, वाइल्ड एनिमल्स होगा। एंड फर्स्ट हो गए एन ऑक्टस लिव इन कॉकरोच सॉरी वाटर्स, वाटर्स होंगे। एन ए मंकी लिव्स ऑन ए ट्री, जो मंकी होते हैं वह कौन से जाए ट्रीज पौधे में रहते हैं। एनिमल्स विच कीप ऑन ए फॉर्म्स और इन अवर होम्स आर कॉल्ड ब्लैंक्स एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात की गई है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं इसके बारे में बात की गई है। फिफ्थ नंबर में रैबिट एंड फिश, रैबिट और फिश के बारे में बात की गई है, और ब्लैंक्स एनिमल्स, रैबिट जो होते हैं वह क्या होती हैं, एक पैड एनिमल्स हैं, और फिशेज जो होते हैं उसको भी घर में कांच के घरों पे उसको सजा कर रखा जाता है, इसीलिए पैड एनिमल्स बोला जाता है उनको। आई होप कि वीडियो समझ में आ रहा होगा, देखिएगा। डी नंबर बताया गया है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट डी फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द वाई वाइल्ड एनिमल्स, बी फॉर बर्ड्स एंड आई फॉर इंसेक्ट। तो आप ये जो दिए हैं यहाँ पर कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं, आप इसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे बात की गई है लायंस जो होते हैं वह वाइल्ड एनिमल्स हैं, काउ जो होते हैं वह डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स डब्ल्यू लिखेंगे, यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स लिखेंगे डी लिखेंगे, यहाँ पर इंसेक्ट है ये भी इंसेक्ट है आई लिखेंगे, ये जो है बर्ड है ये भी बर्ड के रूप में आएगा, ये जो होती हैं वाइल्ड एनिमल्स में आएंगी, और ये हॉर्सेस आएगा, यह हॉर्सेस जो होंगे वह डोमेस्टिक एनिमल्स में आएंगे। तो इस प्रकार आप भरने की कोशिश करिएगा। एक्टिविटी टाइम दिए हैं, देखिएगा एक्टिविटी टाइम्स को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। स्नैक जो होते हैं, मंकीज जो होती हैं, इसको आप एक्टिविटी टाइम्स दिए हुए हैं, एक्टिविटी टाइम्स को आप जैसे मैच करना है, मैच द फ्लॉइंग्स, मैच द फ्लॉइंग्स करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसको मैच द फ्लॉइंग को आप कीजिएगा, ठीक है, टुडे होमवर्क का। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे 20 चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे द अबाउट वाटर, 20 चैप्टर आप लोग अच्छे से स्टडी करके आइएगा। बाय बेटा।